फ्रेंड्स, चलिए अगली रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड। तो देखिए, हम एक बड़ा मैंगो ले लिए हैं और ये बड़ा साइज का है, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है मैंगो कस्टर्ड और उतना ही स्वादिष्ट होता है और ये फलों का राजा है। तो देखिए, एक बड़ा हम मैंगो ले लिए हैं और शक्कर ले लिए, कस्टर्ड ले लिए हैं और मिल्क ले लिए हैं 1 लीटर। और देखिए, अनार का दाना और काजू, पिस्ता और बादाम ले लिए हैं। तो एक बाउल लेंगे और दूध उसमें हम निकालेंगे। देखिए, इसी तरह से हम बाउल निकाल लेंगे, ठंडा दूध, गरम नहीं चाहिए हमको, और हम निकाल लेंगे 4 चम्मच। और जो कस्टर्ड पाउडर है उसको हम घोल लेंगे और अच्छे से घोलेंगे, उसमें गुठलियाँ ना पड़े। देखिए, अच्छे से हिला करके और एकदम मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम बराबर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब यह मिक्स अच्छे से हो जाएगा। देखिए, इसी तरह हिलाते रहेंगे। एक पैन रखेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि दूध डालना है उसमें पकाने के लिए, तो तले में चिपके ना। इसी तरह से हम दूध डाल देंगे, पूरा 1 लीटर हमारा फुल क्रीम दूध है। तो हम अभी इसको पकाएंगे, और फास्ट पे नहीं पकाएंगे, मीडियम में, और मैंगो को छील लेंगे। इसी तरह देखिए, उसका छील लिए और बारीक बारीक करके टुकड़ों में हम ऐसे काट लेंगे, स्क्वायर जैसे काट लेंगे और उसका पल्प निकाल देंगे। देखिए, इसी तरह से हम थोड़ा और बीच से डाल करके काट के निकाल लेंगे। हमारा स्कूप जैसे हो गया है, और इधर दूध को हिलाते रहेंगे क्योंकि तले में न पकड़े। और इधर मिक्सर ग्राइंडर ले करके हम इसको मिक्स कर लेंगे, बिना पानी का ही पीसेंगे और एकदम फ्लॉफी पीसेंगे। और देखिए, अभी हमारा दूध एक उबाल आने तक हम उसको उबालेंगे। और इधर हम मिक्स कर लिए हैं क्योंकि डालेंगे तो जमना नहीं चाहिए, थोड़ा हिला करके दूध में डालेंगे। और देखिए, अभी ऐसे ही हम हिलाते रहेंगे और इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको फेंटना है, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और शुगर डाल देंगे 1 कप। ये देखिए, इसी तरह से हम हिलाते रहेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। देखिए, पूरा कॉर्नर का ही निकाल लेंगे, साइड से जो है इसमें मलाई ना पड़े। और इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। ये देखिए, इसी तरह से अभी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, ये इसको अच्छे से मिला देंगे इलायची पाउडर। और ये फ्रूट कस्टर्ड है इसका नाम, और मिक्स कस्टर्ड भी, एप्पल जितना फ्रूट्स है अपना इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। पूरा रेसिपी देखिए, बीच में स्किप न करिए, नई रेसिपी समझ में नहीं आएगी। तो हम गैस को बंद करेंगे और उतार लेंगे अपना पैन, और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसी तरह से ठंडा होगा तो हम, ये देखिए, अभी गैस को बंद कर दिए थे। तो अपना मैंगो जो पीस करके रखे हैं वो डाल के मिक्स करेंगे। देखिए, अभी अच्छे से इसको मिलाना है, पूरा अच्छे से मिलाएंगे तो हमारा कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी होगा। देखिए कितना फ्लॉपी हो गया है। अगर आप पे गुठलियाँ पड़ गई है तो नहीं हुआ अच्छे से, तो आप मिक्सर में ग्राइंड करके कर सकते हैं, और
देखिए अभी एक बाउल लेंगे तो आधा घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए कितना थिक हुआ है, और रखेंगे तो और अच्छे से थिक हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा है। अभी हम निकाल लिए फ्रिज से, अभी सर्व करेंगे। ये हम सर्व करेंगे अभी एक प्लेट में निकाल करके। और देखिए एप्पल डाल देंगे टुकड़ा ये, और इसी तरह से मैंगो का भी डाल देंगे टुकड़ा, इसको सजा देंगे अनार के दाने से। और देखिए इसी तरह से काजू बादाम जो है अपना सब डाल देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक